मोदी की तरफ फेंका गया मोबाइल फोन तभी बीच में आ गया एसपीजी कमांडो और चल गया बहुत बड़ा खतरा। इधर कर्नाटक में थे सीएम योगी और उधर पीएम मोदी के खिलाफ रची गई साजिश, देखिए एसपीजी कमांडो ने फिर क्या किया। 32 साल पहले तमिलनाडु में राजीव गांधी की मानव बम से हुई थी हत्या, केरल में मोदी पर किसने फेंका मोबाइल। मोदी की तरफ फोन फेंकने वाला शख्स भीड़ के बीच में ही खड़ा था, मोदी हजारों लोगों के बीच में चल रहे थे, आसपास सुरक्षा में तैनात एसपीजी के कमांडो अलर्ट थे, बीच में मोदी और चारों तरफ ये ब्लैक कैट कमांडो। इसी बीच मोदी की तरफ एक फोन फेंका गया, मोबाइल फोन इससे पहले मोदी तक पहुंचता, हवा में एसपीजी के कमांडो ने उसे रोक दिया। इसके बाद जो हुआ एसपीजी की ताकत देख कर पूरा देश हैरान रह गया। करीब 32 साल पहले तमिलनाडु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या एक महिला की वजह से हुई थी जो अपने शरीर में बम बांध कर पहुंची थी। मोदी के केरल दौरे से पहले ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, तो क्या उस मोबाइल फोन में बम था? मोबाइल किसने फेंका और मकसद क्या था? मोदी जहां जाते हैं वहां लोगों का हुजूम लग जाता है, मोदी जब भी कोई रोड शो करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग होते हैं, मोदी अपने इन एसपीजी कमांडो के भरोसे ही सड़क पर निकल पड़ते हैं। ये वक्त एसपीजी के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है, बिना पलक झपकाए मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी बाज की तरह नजर रखती है। ऐसी बातें अभी तक हमने और आपने सिर्फ सुनी थी, लेकिन केरल में जो हुआ उसके बाद एसपीजी की ताकत देकर हर कोई बस यही बात कह रहा है कि सुरक्षा हो तो सिर्फ एसपीजी की जैसी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर केरल में मोदी के रोड शो में क्या हुआ था और कैसे मोबाइल फोन उनकी तरफ फेंका गया। पीएम मोदी केरल के कोची शहर में जब रोड शो कर रहे थे, इसी दौरान जैसे ही मोदी यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, इसी दौरान उनकी तरफ एक मोबाइल फोन फेंका गया। कुछ सेकंड का ही फासला था, लेकिन मोदी तक पहुंचने से पहले ही हवा में एसपीजी के कमांडो ने उसे रोक दिया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एसपीजी की ताकत क्या होती है। कुछ दिन पहले जब मोदी कर्नाटक में एक रोड शो कर रहे थे, तब भीड़ में से एक शख्स मोदी की तरफ भाग कर आया था और वो माला पहनाना चाहता था, लेकिन मोदी तक पहुंचने से पहले ही उसे एसपीजी के कमांडो ने कागज की तरह उठाकर बाहर कर दिया था। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। एलटीटी के महिला चरमपंथी धनु ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूने के बहाने नीचे झुकी थी, झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में से ब्लास्ट कर दिया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ खुद भी उड़ गई। पीएम मोदी के केरल दौरे से पहले ही उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी है। योगी और मोदी दोनों ही आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते। भारत पहले दो दो प्रधानमंत्रियों को गंवा चुका है। राजीव गांधी की हत्या आज से करीब 32 साल पहले हुई थी, लेकिन अब मोबाइल बम का जमाना है। जो मोबाइल फोन पीएम मोदी की तरफ फेंका गया उसमें बम भी हो सकता था। जिसने मोबाइल फोन को फेंका वो भीड़ के बीच में खड़ा था और मोदी जैसे ही उसके पास पहुंचे उसने उनकी तरफ तेजी से फोन को फेंक दिया। खुफिया एजेंसी और केरल पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर मोबाइल फेंकने वाला शख्स कौन है। मोदी के केरल दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ भी केरल पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ को वैसे तो जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन किसी अनहोनी के डर से योगी की सुरक्षा को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस वक्त हर तरफ चर्चा एसपीजी के कमांडो की हो रही है, जिसने पलक झपकते ही मोदी तक पहुंचने से पहले ही उनकी तरफ आ रहे फोन को हवा में ही रोक दिया।